केविन तीन रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहता था। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे एक बहुत महंगी घड़ी तोहफे में दी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत ईर्ष्या हुई। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर छिपा दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। लगभग 2:10 पर सैम केविन के कमरे में गया। 2:30 पर ओलिवर केविन के कमरे में गया और 3 टॉम केविन के कमरे में गया। केविन 4 उठा और उन्हें अलमारी के ऊपर अपनी घड़ी नहीं मिली। ढूंढने पर उसे ये कूड़ेदान में मिला, लेकिन वो टूट गया था। उसने अपने रूममेट से पूछताछ की, लेकिन उन तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि केविन की घड़ी किसने तोड़ी? ओलिवर 2:30 पर केविन के कमरे में गया और 2:35 पर घड़ी टूट गई। ओलिवर ने घड़ी तोड़ दी।